केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। क्या हवा बदल रही है? क्या मिजाज सही है? हम यहाँ इसलिए पूछ रहे हैं कि अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया के जो एंकर हर एंगल में हिंदू मुस्लिम तलाशते हुए विपक्ष से सवाल करते थे, अब उनके सुर एकाएक ही बदलते नजर आ रहे हैं। आर भारत से अर्णव गोस्वामी के बाद अब आज तक के मुख्य एंकर सुधीर चौधरी का एक नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें सुधीर चौधरी को यह बताते हुए देखा जा सकता है कि भाजपा का डबल इंजन मणिपुर और हरियाणा में फेल हो गया है। इन एंकर के इस बदलाव पर लोग एकाएक यकीन नहीं कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने सवाल खड़े किए हैं, भाई साहब आपकी तबीयत तो ठीक है, 9 साल में पहली बार भाजपा के झूठ को उजागर कर रहे हो। पहले दिखाते हैं आज तक का वह एपिसोड। बीजेपी अब तक यह दावा करके बड़ी खुश होती थी कि उसकी सरकार जिन जिन राज्यों में है वहां पर सांप्रदायिक दंगे नहीं होते और बीजेपी के डबल इंजन की सरकारें राज्यों में कानून व्यवस्था के मामले में बहुत ही कामयाब है। हर चुनावी रैली में बीजेपी के जो नेता हैं वो अपने डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं और कहते हैं कि हमारे राज्यों में जहां पर हमारी सरकारें हैं वहां पर कानून व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। मनोहर लाल खट्टर वर्ष 2014 से हरियाणा में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी सरकार के, लेकिन वर्ष 2017 से 2021 के बीच ही खट्टर की सरकार में 211 सांप्रदायिक दंगे हुए हैं और हरियाणा जब जब हिंसा की आग में जला है तब तब मनोहर लाल खट्टर हरियाणा को एक बार भी बचा नहीं पाए। हरियाणा की खट्टर सरकार बिल्कुल नाकाम रही थी। मनोहर लाल खट्टर की मौजूदा सरकार मेवात की इस हिंसा को भी नहीं रोक पाई। उल्टा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज ये कह रहे हैं कि सरकार हर नागरिक की सुरक्षा नहीं दे सकती, हर नागरिक की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती। हरियाणा के डबल इंजन में राज्य का जो इंजन है वो कैसे धुआं छोड़ रहा है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हर्षित जैन लिखते हैं कि पप्पू पलट गया, देश की जनता तरस गई थी आपके मुंह से ऐसी बात सुनने के लिए, चलो एक सपना पूरा हुआ। अशोक शेखावत लिख रहे हैं कि अचानक सुधीर को क्या हो गया, आधी रात के बाद सच बोल रहा है। अजहरुद्दीन खान लिख रहे हैं कि तुम जैसे नफरती बोल बोलने वाले हर जगह दंगे के लिए जिम्मेदार हैं, पैसे के लिए तुम लोग झूठ बोलकर मुस्लिमों के प्रति भोले भाले कम पढ़े लिखे हिंदुओं को भड़काते हो ना, इसी का नतीजा है जो हर जगह दंगे हो रहे हैं। सारे जगह के दंगों के लिए सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया जिम्मेदार है। उत्सव कुमार लिखते हैं कि कुछ भी हो जाए, आकाश फट जाए, जमीन धस जाए, यह महाशय मोदी की आलोचना नहीं करेंगे। अगर लोकल इंजन फेल है तो नेशनल इंजन लोकल की मरम्मत क्यों नहीं करता। प्रवीण कुमार ने सीधे तंज कसा है कि भाई साहब आपकी तबीयत तो ठीक है, 9 साल में पहली बार बीजेपी के झूठ को उजागर कर रहे हो, फिर सच बोलने की शुरुआत अच्छी है, चाहे किसी भी दल का नेता हो गलत करेगा तो एक्सपोज करना चाहिए। अमरीश लिखते हैं कि सरकारी पत्रकार को ये क्या हो गया है और ये क्या बोल रहा है अपनी सरकार के बारे में, कुछ तो बात है, नहीं तो सुधीर चौधरी इतनी निंदा हिम्मत नहीं है। विकास वर्मा का कहना है कि अब आंख खुल रही है महोदय, जब आप खुद पर पड़ेगी तब समझ में आएगी। शिवाजी पूछ रहे हैं कि तिहाड़ी सरकार से सवाल कर रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना। पुरुषोत्तम तोमर लिखते हैं कि इतना बदल गया भरोसा नहीं होता। मुकेश चंद्रा कहते हैं कि आज फिर बीजेपी के खिलाफ बोल दिया, लगता है जॉब बदलने का टाइम आ गया है। राजीव त्यागी लिखते हैं कि अब तो सुधीर चौधरी ने भी बोल दिया है कि सरकार फेल है, अब वर्तमान में किसी भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अंजलि लिखती हैं कि चेक लेट हो गया क्या, मीडिया का मुंह खुल रहा है। फाइनली इसके अलावा तमाम लोगों ने ऐसे भी कमेंट किए हैं जिन्हें यहाँ शामिल नहीं किया जा पा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।